गुड मॉर्निंग क्लास 9, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया। चलो अभी हम लोग सेकंड लॉ पढ़ चुके थे, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, और हम लोग मोमेंटम के बारे में भी पढ़े थे। तो वहाँ हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, F is equal to KMA पढ़ा था, बट K कॉन्स्टेंट इसलिए हम कभी कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था, मोमेंटम क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू एम और एम ए पढ़ा था, ठीक है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे अपना यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको कुछ फार्मूलाज भी लिख देता हूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या था, वी माइनस यू अपॉन टी था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अभी देखते हैं इसका यूज होगा तो यूज करेंगे, नहीं यूज होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में और अभी आने वाले कम से कम दो क्लास और, मैक्सिमम दो क्लास और हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे, और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे बायोलॉजी, तो शायद इस बार नहीं पढ़ना है, आप लोगों को देख लेंगे जो जैसे होगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। मतलब क्या फोर्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मतलब क्या एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। उसमें सबसे पहले दिया क्या है, फोर्स लिख दिया, फोर्स क्या दिया हुआ है 12 न्यूटन, मास दे दिया, ये रहा फोर्स, और ये क्या दे दिया, मास क्या दे दिया 3 kg। मतलब ये दो चीज़ अपना गिवन है, हमको क्या बोला है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या है एम इन टू ए, एम क्या हो गया हमारा 3, एफ का वैल्यू भी तो दिया हुआ है ना 12 न्यूटन, और ये ए के जी इंटू ए। अभी देखो न्यूटन क्या होता है हमारा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारा न्यूटन का यूनिट। अगर आप ऐसा यूनिट देखो इसमें को, अगर न्यूटन में देखोगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख लो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 kg इंटू ए 3, ये 4 टाइम में kg से kg गया, ए का वैल्यू क्या आ गया 4 m/s². सो सिंपल, कुछ था इसमें, इसमें तो आई होप कुछ भी नहीं था, मतलब क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s² ऑन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। मतलब क्या पूछ रहा है, ये फोर्स कैलकुलेट करने बोल रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए ये पूछ रहा है। अब भाई देख लो एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 kg, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 m/s². तो डाल दो, एम के जगह पे 6 डालो, ए के जगह पे 4 डालो, और ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ना एम का kg, और इसका ये 24 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 24 न्यूटन, ठीक है। अभी अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वट वुड बी द फोर्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² इन अ बॉडी ऑफ मास 12 kg, एंड वट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वेर डबल्ड। मतलब ये बोल रहा है कि वट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड, क्या बोला फोर्स बोला है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² इन अ बॉडी ऑफ मास 12 kg। मतलब कोई बॉडी है जिसका मास 12 kg है, उसमें क्या फोर्स लगेगा कि हमारा ये एक्सेलरेशन वो गेन कर लेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन वो गेन कर लेगा। अभी फिर बोलता है व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वर डबल्ड, हमारा फोर्स को हम लोग डबल कर देंगे तो मास क्या है, पहले हमारा मास है 12 kg और एक्सेलरेशन क्या है 2 m/s². सबसे पहले हम ये लास्ट लाइन समझाना चाहेंगे, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स इज डबल्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए ना, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, मतलब कि
बोलता है एक्सेलरेशन व्हाट इफ द फोर्स इज डबल, अगर फोर्स को दो से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी तो दो से मल्टीप्लाई करेगा ना, समझने की कोशिश करना। बोला फोर्स को डबल कर दिया, तो फोर्स को डबल कर दिया, मास तो हमारा अभी भी सेम है तो एक्सेलरेशन को भी तो डबल करेगा ना, इक्वली तो करना है दोनों साइड में। मतलब क्या बोलेगा लास्ट लाइन का, तुम क्या आंसर बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन विल बी डबल इफ फोर्स इज डबल, अगर मैं फोर्स को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। तो ये देखो, लगा दो फॉर्मूला, पालो आंसर, मास 12 है, एक्सेलरेशन 2 है, 24 न्यूटन, जब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी भाई मैथमेटिकली भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, क्या बोलता है फोर्स को डबल कर दिया तो 2 × 24 क्या हो जाएगा, 48 हो गया, तो 48 इज इक्वल टू m इंटू ए, एम का वैल्यू क्या है 12 है, क्या हो गया ये 4, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डबल ही तो हो गया ना, पहले कितना था 2 था, अभी 4 हो गया तो डबल ही हो गया ना, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या, वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, मतलब m1 मास पे लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि दोनों में फोर्स तो हमारा इक्वल है भाई, दोनों में फोर्स हमारा क्या लग रहा है, बराबर सा लग रहा है, ठीक है, पहले वाले में m1 मास है, दूसरे वाले में m2, मतलब मास हमारा नहीं दिया हुआ। What acceleration would it give if both mass are tied together? अगर दोनों मास को हम एक साथ अटैच कर दें तो हमारा क्या मतलब क्या एक्सेलरेशन देगा, पहले हम मास तो निकाल लें, तो फोर्स क्या दिया हुआ है हमारा 5 न्यूटन, m1 की वैल्यू नहीं दी हुई है, a1 की वैल्यू क्या दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m2 की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, a2 की वैल्यू क्या दी हुई है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निकाल लो भाई साहब, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, छोड़ो ऐसे मत लिखो, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। m1 का वैल्यू क्या है नहीं पता है, p का वैल्यू 8 है और फोर्स का वैल्यू क्या है 5 है, m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/8 की, सिमिलरली m2a2 इसका तो नहीं पता है, ये 5 है और ये 24 है, तो m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/24 kg आ गया, इज इट क्लियर टू ऑल। अभी ये बोलते हैं कि मास को हम लोग अटैच कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो न्यू मास, मतलब इसको m3 बोल लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है, मास को अटैच करने की बात कर रहे हैं 5/8 प्लस 5/24 क्या जाएगा, ये 15 5, मतलब 20/24 5/6 4×5 = 20, ठीक है, ये kg आ गया। अभी बोलते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, फोर्स तो हमारा वही है ना, तो एक्सेलरेशन के लिए f/3, f का वैल्यू क्या है 5/6 5×6/5 क्योंकि सबसे नीचे वाला ऊपर, ये लो कट गया, क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी था, कुछ तो नहीं था। चलो अभी अपन नेक्स्ट में आते हैं, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 km/h, मतलब इतने के स्पीड में वो चल रहा है, इट टेक्स अ 5 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर अ ब्रेक अप्लाइड,
मतलब वो चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड उसको टाइम लगा उसको रुकने के लिए। तो अगर अपन बात करेंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगा, 90 km/h इसको यहाँ सेकंड में, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 90 × 1000 / hr। तो एक और मिनट में की चेंज हुआ, 360 से कर लिया तो ये ठीक है 15 आ गया। मतलब क्या आ गया, 25 m/s² आ गया ना, सॉरी 25 m/s आ गया u। अभी क्या बोला, इट टेक्स 5 सेकंड टू स्टॉप, मतलब ये v का वैल्यू क्या हो गया, 0 m/s हो गया ना, स्टॉप हो गया ना भाई। कितने सेकंड में ये होगा, टाइम क्या हो गया हमारा, 5 सेकंड। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटरसाइकिल विद द मास अलॉन्ग विद द राइडर इज 200 kg। जो मास है अलॉन्ग विद द राइडर, क्योंकि अगर गाड़ी को अपन चला रहे हैं तो हमारा भी तो वेट होगा, हमारा भी तो मास होगा, सिर्फ गाड़ी का तो मास हम लोग लेंगे नहीं, हमारा भी कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, इज इट क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मास क्या दे दिया, 200 kg। एफ क्या है, एम इंटू ए, एम का वैल्यू 200, ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी 200। अभी v का वैल्यू 0 है, माइनस 25/5, यार इसको नेक्स्ट फेज में चल कर ही देते हैं थोड़ा सा। देखो तो f का वैल्यू, f क्या आ गया हमारा, m इंटू ए 200 v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ये है हमारा 200, ठीक है इधर तक क्लियर है। अभी क्या है, v का वैल्यू 0 आ गया, माइनस 25/5 200। अभी एक चीज देख लेना, माइनस अगर दिया हुआ है ना तो मतलब जो फोर्स है अपोजिंग फोर्स लग रहा है, ये माइनस को बाहर कॉमन कर लो, 5 times में मतलब क्या हो गया, 1000 N आ गया ना, ये माइनस में आया। एफ का वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस में। अगर एफ का वैल्यू माइनस में है, वेन एफ इज इन नेगेटिव, इज इन माइनस साइन, देन इट इज अपोजिंग, अपोजिंग मतलब उसके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसको जाने से रोक रहा है, ठीक है। आज का क्लास में यहीं तक, कल के क्लास से फिर कल से देखेंगे, समझ में नहीं आएगा रीटेक में देखने का। बाय, गुड बाय, टेक केयर।